ओके गाइस, सो काफी टाइम के बाद एक माइनक्राफ्ट का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। लास्ट अपडेट था माइनक्राफ्ट 1.21.31 एंड लास्ट वाले बीटा वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक बीटा वर्जन था 1.21.50.20। इसमें जितनी भी चीजें ऐड हुए हैं वो 1.21.40 जो 22 अक्टूबर को आएगा उसमें ऐड हो जाएगा ऑफिशियल वर्जन। तो 1.21.40 फाइनली आ ही गया है। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। ओके गाइस, सो ये रहा 1.21.40 लेटेस्ट अपडेट। एंड हाँ, बस एंड्रॉइड में 1.21.41 भी आ गया है आज ही, तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर लेना। ओके गाइस, सो वर्ल्ड क्रिएशन में जाओगे तो अब आप लोगों को फाइनली ऑफिशियल वर्जन में हार्डकोर मोड मिल जाएगा। इसको ऑन करोगे तो देख सकते हो एनिमेशन क्या ही मस्त आ रहा है। लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो हार्ट बना हुआ आ जाएगा हार्डकोर मोड वाले वर्ल्ड में। एडवांस ऑप्शन में जाओगे तो स्टार्टिंग मैप और बोनस चेस्ट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक लॉक्ड रहता है। ओके गाइस, वर्ल्ड को क्रिएट करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा अगर आप लोग इसमें मरे तो रिस्पॉन नहीं हो सकते, गेम ओवर हो जाएगा। फिर हार्डकोर मोड को आप लोग चेंज नहीं कर सकते इन गेम में। फिर अगर आप लोग इसमें मरे तो इंटरेक्ट नहीं कर सकते वर्ल्ड के साथ, बस स्पेक्टेट कर सकते हो। ओके, सो चलो इसको टेस्ट करते हैं। इतने हाइट से मैंने यहाँ पर जंप किया तो देख सकते हो मेरे प्लेयर को मरने के बाद यहाँ पर रिस्पॉन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एग्जिट वर्ल्ड एंड स्पेक्टेट वर्ल्ड का बस ऑप्शन आ रहा है। ओके, सो स्पेक्टेट वर्ल्ड में टैप करोगे तो आपको प्लेयर कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब प्लेयर कुछ नहीं दिखने वाला, आप लोग स्पेक्टेट मोड में चले जाओगे, मतलब अब आप लोग वर्ल्ड में कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते। एंड अगर हम लोग एग्जिट कर देते तो हमारा वर्ल्ड नहीं उड़ता है, हमारा वर्ल्ड वैसे ही रहता है। अगर वापस वर्ल्ड में जाओगे फिर भी मोड में ही रहोगे। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पे। बंडल अब ऑफिशियली ऐड हो चुका है, इसको यूज करना काफी इजी है। बंडल पे टैप कर देना, देन जो आइटम इसमें रखना होगा उस पे टैप कर देना, तो इसमें वो आइटम ऑटोमेटिकली चला जाता है। फिर बंडल पे टैप करोगे तो आइटम शो होने लगेगा एंड स्पेस भी बताएगा कि कितने स्पेस और बाकी है इसमें रखने के लिए। तो इसमें अभी हम लोग टोटल 64 आइटम्स रख सकते हैं, मतलब वन स्टैक। आइटम्स को इसमें से निकालना काफी इजी है, बंडल्स को टैप करो देन आइटम पे टैप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। बंडल को हाथ में लेके स्क्रीन पे होल्ड करोगे तो इस तरीके से भी हम लोग आइटम्स को इसमें से निकाल सकते हैं। जो सेम आइटम रहेगा वो एक एक करके बाहर निकलता है, जैसे देख सकते हो अभी स्नो निकला, फिर अभी एप्पल्स निकले। ओके, सो इस तरीके से आप लोग इसको क्राफ्ट कर सकते हो। ये रहा इसका क्राफ्टिंग रेसिपी एंड बाकी सारे जितने भी कलरफुल बंडल्स हैं उनको क्राफ्ट करने के लिए बस डाई कर देना होगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्राफ्ट हो जाता है। काफी वैरायटीज ऑफ बंडल्स हमें इसमें मिल जाते हैं। एंड हाँ, अगर इसमें हम लोग टूल्स रखते हैं तो एक ही टूल में ये फुल हो जाता है, जैसे कि देख सकते हो एक ही शॉट में ये फुल हो गया। सो या गाइस, इस वाले अपडेट में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पेल गार्डन बायोम इस वाले अपडेट में तो नहीं आया, शायद 1.21.50 में आ जाए। ओके गाइस, सो चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड कमेंट्स में बताना आप लोगों का फेवरेट फीचर कौन सा था। सो या कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।